ओ हेलो, हेलो हेलो, सब कुशल मंगल? आपसे मिलने के बाद क्या कुशल और क्या मंगल। कुछ गुदगुदाया आपने? नहीं कुछ नहीं, हमने कहा सब ठीक है। कहिए आपके मिजाज कैसे? आपको देख के वैसे ही मिजाज गर्म हो जाते हैं जी। क्या कहा आपने? काफी गर्मी हो रखी है। हाँ हाँ बिल्कुल, गर्मी तो वाकई बहुत हो रखी है। मौसम के हाव भाव निरंतर बदल रहे हैं। मौसम के जो हाव भाव है ना, वो बीवियों की तरह है, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। कभी कभी लगता है ये बीवियां होनी ही नहीं चाहिए। सही कहा आपने, बीवियां नहीं होनी चाहिए, भाभियां होनी चाहिए। ये बीवियां जो है ना, हमेशा एक भय सा उत्पन्न किए रहती है, एक अनजाना सा भय बीवियों के साथ बना रहता है। नहीं, ये बीवियां एक टीवी के धारावाहिक की तरह हैं, पके हुए धारावाहिक की तरह। आप चाहें ना चाहें आपको देखना पड़ता है, रिपीट टेलीकास्ट भी देखना पड़ता है। That's the problem. क्या बात कही है वागे, बिल्कुल सही बात कही। लेकिन एक बात है, ये भाभी जी ही हैं जिन्होंने आप जैसे नल्ले और सुस्त आदमी को संभाल रखा है। आपको उनकी कद्र करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। भगवती जी तिवारी जी, मैं आपको एक राय दूं? जी कहिए। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? क्या जो खोखा जो आपका बचकच्चे बनियान का है उसको भेज दीजिए और गाइडेंस काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। व्हाई डोंट यू बिकम अ साइकाइट्रिस्ट? वाह, कभी सोचेंगे इस विषय पर। कद्दू जी क्या कहा? कुछ नहीं। ठीक है, हम सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो जरा भाभी जी का हालचाल पूछा है। हम भी भाभी जी का हालचाल पूछा है। गॉड मीनल, क्या बताऊं मैं यार, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। मतलब कैसा है ये विभू, उसे घर की साफ सफाई की कुछ पड़ी नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स कुछ तो सॉल्यूशन मुझे निकालना ही होगा ना। आई कांट कैरी ऑन लाइक दिस यार। भाभी जी घर पर हैं? हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। हेलो तिवारी जी, कैसे हैं आप? जी अच्छे हैं, बिल्कुल कुशल मंगल है। लेकिन आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। हाँ, क्या बताऊं तिवारी जी, ये विभू के आलसीपन और काम चोरी से तो मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। अब आप तो जानते कि दिवाली आने वाली है और मैं साफ सुथरेपन को कितना इम्पोर्टेंस देती हूँ। जी बिल्कुल भाभी जी, साफ सफाई को तो हर आदमी तवज्जो देता है, एक कुत्ता भी जो है वो अपनी जगह साफ करके बैठता है। लेकिन माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, आप मुझे माफ कीजिएगा, विभू मेरा पति है। इसी बात का तो रोना है जी। नहीं, हमने कहा देखिए ना, आप जैसी इतनी सुंदर सुशील और सुसंस्कृत पत्नी ही की होते हुए भी वो नहीं सुधरे। जी देखिए ना, घर को देखिए थोड़ा। हाँ, क्या हालत बना के रखी है विभू ने घर की। साफ सफाई इतने जाले हैं, घर के कोने कोने में मुझे जाले नजर आ रहे हैं। पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि घर के हर एक कोने से मकड़ियां मुझे देख रही हैं और मुझे कह रही हैं कि थैंक यू कि विभू जैसे इंसान से तुमने शादी की। तुम्हारे इस घर की वजह से हम अपना घरौंदा इस घर में बना पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच अनु दीदी, देयर यू गो। ये तो वाकई बड़ी गलत बात है भाभी जी। और पता है, जब मैंने विभू से कहा कि भाई तुम घर को इतने अच्छे तरीके से साफ क्यों नहीं रख पा रहे हो जी। तो ये क्या आर्गुमेंट की उसने मुझसे? उसने मुझसे कहा कि वो एक नेचर लवर है और मकड़ियां जो है इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर और मैं मकड़ियों को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, मैं नेचर को हार्म नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए मैं साफ नहीं कर रहा। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है भाई। देखिए ना, भभूति जी की नजर में आपसे ज्यादा मकड़ियां इंपॉर्टेंट है। बोलो तिवारी जी, क्या बोले अब? क्या बताएं भाभी जी, दरअसल भभूति जी तो खुद एक मकड़ा है जिन्होंने आप जैसी मकड़ी लड़की को अपने मकड़ जाल में फंसा रखा है। हाँ क्या जोर से बोलिए ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि आप हमें बताइए भाभी जी कि घर में कहां कहां मकड़ी के जाले हैं, हम सारा साफ कर देंगे। आप साफ करेंगे? जी भाभी जी, आपकी मोहब्बत में तो कुछ भी करेंगे। जोर से बोलिए ना, आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि चलिए ना शुरू करते हैं सफाई अभियान। किचन में आप जाइए, वहां पर वो लंबा झाड़ू है, डस्टर है, साफ सफाई के लिए लगने वाली सारी चीजें हैं। सो गेट गोइंग। जी भाभी जी।